अभी हम ड्राफ्टिंग का पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। HVAC जो ड्राफ्टिंग है, अभी हमने एक दो वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ और ये भी थर्ड वीडियो। अभी अभी तक हमने जो सीखा वो है लाइन कमांड सीखा है। डायमेंशन के लिए हम DLI करते हैं, ऑफसेट के लिए हमारी पहले वीडियो में देख लें ऑफसेट कमांड, ट्रिम कमांड एंड फ्लिट कमांड। रेडियस बनाने के लिए हम फ्लिट कमांड यूज़ करते हैं। तो ड्राफ्टिंग सीखना इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट अगर आप कमांड जानते हैं और कंटिन्यू कुछ दिन प्रैक्टिस करते हैं। इट विल बी वेरी इजी, है ना। इट्स नॉट गोइंग टू टेक मोर टाइम और इसको अच्छे से सीखा जा सकता है। लेकिन ट्रिक पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी कमांड कब यूज़ करनी है। और शॉर्टकट अगर आपको पता है, बिकॉज आई एम टेलिंग एवरीथिंग इन द शॉर्टकट कमांड, ठीक है। हम टूल बार का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो मेनली अगर टूल बार का यूज़ अगर आप करेंगे तो आपका जो स्पीड है ड्राफ्टिंग का वो डेफिनेटली फास्ट नहीं हो पाएगा। इन ऑपरेटर यू फील दैट कि इट्स वेरी स्लो। तो हमें जो क्या करना है कि अभी ड्राफ्टिंग सीखना भी है, लेकिन हमें कमांड से लेफ्ट जो हमारा हैंड होगा वो हमारा कीबोर्ड पे होगा। सिर्फ हमारा हैंड लेफ्ट चलेगा, सिर्फ जो कमांड हम टाइप करेंगे सिर्फ लेफ्ट हैंड चलेगा, राइट हैंड हमारा माउस पे रहेगा, ठीक है। तो एक क्या होगा कि थोड़े दिन के बाद आपकी एक स्पीड अप बहुत अच्छी हो जाएगी कमांड अगर आप यूज करते हैं। तो आइए कुछ कमांड हम लोग सीखते हैं। लाइन, DLI, ऑफसेट, ट्रिम, फ्लिट हो गया। अभी हम आपको एक कमांड बता रहे हैं, स्ट्रेच कमांड। हम एस टाइप करेंगे, देखिए एस टाइप करेंगे, इंटर करेंगे। दोनों लाइन को सिर्फ एज पे ही इसको ये क्लिक करना है, फिर इसको हम इंटर करना है। इसको कितना कहाँ तक लेके जाना है आप हम इस पे छोटी भी कर सकते हैं, इसको बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। ये कौन सी कमांड हो गई, स्ट्रेच। देखिए फिर से देखते हैं इसको, एस। देखिए एस टाइप के यहाँ पे स्ट्रेच आ गया, इंटर दबा दिया हमने। दोनों लाइन को सिलेक्ट किया, फिर इंटर किया, इसको स्ट्रेच कर लेते हैं, ठीक है। किसी भी एंगल पे, कहीं पे भी इसको लेके आना हो, किस डिस्टेंस पे लेके आना हो, आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। अभी हम आपको अगली कमांड बता रहे हैं। एक कमांड है हमारी एक्सटेंड, ई एक्स करके होती है, ठीक है। जैसे ये लाइन को हमें बढ़ाना है, एक तो स्ट्रेच हो गई। अब यहाँ पे देखिए हम ई एक्स होता है, एक्सटेंड होता है ना। एक्सटेंड को हमने यहाँ पे इस लाइन को सिलेक्ट किया, इंटर किया, इस पे दोनों पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक्सटेंड हो गया। कौन सी कमांड, ई एक्स। अभी हम कंट्रोल जेड करेंगे तो हम बैक जाएंगे। अगेन एक बार देखते हैं एक्सटेंड कमांड, ई एक्स, इंटर। कहाँ तक बढ़ाना लाइन आपको, यहाँ तक बढ़ाना है, इंटर किया, सेलेक्ट कर लिया, क्लियर। अभी हमारी कौन सी कमांड, स्ट्रेच कमांड हो गई, एक्सटेंड कमांड हो गई। देयर इज टू न्यू कमांड टुडे। और आप इसको देखिए, अब अगर आपको मूव करना है ना, ये लाइन को मूव करना है, या मतलब पूरे पार्ट को मूव करना है, एम करेंगे, इंटर करेंगे, एम इंटर, पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे, इंटर कर लेंगे, कहीं पे भी। आप देखिए सीधा सीधा मूव हो रहा है, करेक्ट। आप इसको किसी एंगल पे मूव नहीं कर सकते। अगर आप F8 प्रेस करते हैं ना, तो किसी भी एंगल पे आप इसको जो है कि मूव कर सकते हैं ना। यहाँ पे देखिए किसी भी एंगल पे, यहाँ देखिए, ये मूव कमांड होती है। मूव कमांड के लिए क्या करते हैं हम लोग, एम इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर, कहीं से भी आप पकड़ लीजिए इसको, देखिए यहाँ से उठा लीजिए, किसी भी एंगल पे चला जाएगा, इसलिए कि आपने F8 प्रेस किया। अब मैं फिर से F8 प्रेस करता हूँ। अब देखिए सिर्फ 90 डिग्री इस पे जा रहा है ना, अदर एंगल पे जा रहा है, परपेंडिकुलर ही सिर्फ जा रहा है। F8 फिर प्रेस करेंगे तो किसी भी एंगल पे कहीं पे भी हम इसको जो है मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कमांड P, जो पैन होता है, P हम इंटर करेंगे, पैन। तो यहाँ पे देखिए पैन से हम ड्राइंग को भी कहीं से भी P लिख के देखिए कैसे करना है इसको, P इंटर। अब माउस आप होल्ड करेंगे, जो राइट साइड माउस है आपका, माउस पे आप अपना फिंगर जो है कि होल्ड करेंगे, इसको आप कहीं से भी मूव कर सकते हैं। ये आपका पैन कमांड है ना, इट्स वेरी यूजफुल, किसी भी एंगल से लेके आप इसको कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट, हमारी जो वीडियो आ रही है पार्ट 4 जो आने वाली है अभी, उसमें हम आप और भी आगे सारी कमांड आपको बताते हैं। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें,
और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर कर दें प्लीज़। थैंक्स।